तो यार अभी डिसाइड नहीं हो रहा आज कौन सी निकालें इनमें से, तो देखते हैं हाथ में जो भी आती है आज उसको निकालते हैं। ये आ गई हाथ में, क्रूजर निकालते हैं आज। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैंने आज कोशिश की है कि ज़रा रूटीन बेहतर की जाए, क्योंकि पहले तो व्लॉग 10 10 दिन बाद आ रहा था। तो आज इंशाल्लाह उठा हूँ जल्दी, अभी धूप है नहीं तो जिस टाइम उठता हूँ शाम हुई पड़ी होती है, रात हो जाती नहा के जब निकलो। तो अभी इंशाल्लाह बस जाके क्रूज़र निकालते हैं, उसको ज़रा वॉश करवा के ना, तो आज उस पर एक डिटेल रिव्यू बनाते हैं गाड़ी का, उसके LC 200 का। Few moments later. Later. तो अभी पहुँचे यार इसको वॉश करवाने के लिए, अभी बस अंधेरा भी होने वाला है थोड़ी देर में। इसको पहले वॉश करवा के ना अच्छे से अंदर बाहर से गाड़ी साफ़ करवाते हैं, और फिर उसके बाद इसके थोड़े से शॉर्ट्स बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ा इसका रिव्यू देते हैं गाड़ी का। A few moments later. यार वॉश हो गई, अब इस पे पॉलिश लगवाई है अभी। यार बाहर से साफ़ हो गई थी तो मैंने कहा इसको अब पॉलिश भी लगवा ही लेते हैं, और अभी अब देखो अंधेरा हो गया है, अभी अंदर से साफ़ होनी है। अब ये पर्ल इसके काफ़ी फील हो रहा है ना गाड़ी का, पॉलिश लगी है, शाइन मार रही है फुल माशाल्लाह। अभी अभी सीट्स अंदर से साफ़ हो रही हैं। तो यार अभी घर आके मैंने रेस्ट वगैरह किया, चेंज किया, तो मैंने कहा अब इसका व्लॉग आगे कंटिन्यू करें, इसका डिटेल आपको एक रिव्यू देते हैं छोटा सा गाड़ी का, थोड़ा जो जो डिटेल मुझे पता है इसके बारे में वो आपसे शेयर करते हैं। तो यार ये LC 200 है, 2013 मॉडल है, और 19 की इम्पोर्ट है इसकी, 19 का क्लियर है ये ना। और ये गाड़ी जापान से इसी तरह किटेड आई थी, मॉडलिस्टा किट वाली है, पार्किंग सेंसर वगैरह इसमें, और इसको इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, फुल VIP नंबर लगा है गाड़ी को 002, और गाड़ी के अलॉयज 20 इंच के इसके अलॉयज है, जेन्युइन ZX के।
ये इसकी जो लाइट्स हैं इसमें DRL दिया था इन्होंने पहले, जो 2009 के बाद जब इसमें फेसलिफ्ट आया 2012 में तब ये फेसलिफ्ट दिया था। इसमें लाइटों का फ़र्क था, ये ग्रिल और नीचे ये फॉग लैंप इसके बड़े कर दिए थे थोड़े, और बैक लाइट्स में फ़र्क है। और गाड़ी के ये क्रोम वगैरह के हैंडल्स में मुझे लगता है, और रिम्स का फ़र्क था गाड़ी के, ये वाली बैक लाइट्स थी इसकी। बाकी थोड़ा मुझे लगता है पुराने वाले में पूरा ये इंडिकेटर का था। गाड़ी में जेन्युइन टिंटेड ग्लास है और कीलेस एंट्री है गाड़ी की। गाड़ी के अंदर बेज रोम इंटीरियर है और मेमोरी इलेक्ट्रिक सीटों के साथ है, लेदर सीट्स हैं गाड़ी की, और वेलकम इसकी वो इसको पैनल्स कहते हैं ZX के लैंड क्रूजर लिखा हुआ है। और अभी गाड़ी के अंदर जेन्युइन TV है, साउंड सिस्टम है JBL का। और गाड़ी के अंदर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को सबसे पहले। माशाल्लाह एररलेस गाड़ी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, ये इसके साइड मिरर्स के हैं, ये साइड मिरर्स को बंद करने के लिए और खोलने के लिए, और ये पार्किंग सेंसर के हैं, ये ट्रैक्शन का है, ये फॉग लैंप का शायद, और वॉशर्स वगैरह का है ये शायद, और काफ़ी ऑप्शन है, हीटेड स्टेयरिंग का है, ये इसका मल्टीमीडिया सारा, ये क्रूज़ के लिए यहाँ से सारा उसका सेट, यहाँ पीछे क्रूज़ है, ये इसका AC का यहाँ से भी कंट्रोल हो जाता है डेक से भी, इसमें एवरेज वगैरह भी यहाँ शो हो जाती है सारी गाड़ी की। ये अभी तो 6.7 दे रही है। ये इसके हाइट कंट्रोल के सारे ऑप्शन हैं, हीटेड सीट्स के हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, ये हीट ऑन हो गई है, ये इसकी कूलिंग वाली साइड ऑन हो गई है। ये इसका कैमरों का है व्यू, कैमरों के आगे 360 कैमरा इसमें, और यहाँ पे इसका ट्रंक का बटन है और ये उसको बंद करने के लिए ट्रंक को ना, और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है गाड़ी के अंदर, और ये इसका डिफरेंशियल का सारा सिस्टम है, यहाँ से ये पुश स्टार्ट का बटन आ गया, यहाँ से इसके मोड्स वगैरह चेंज होते हैं डेक के बटन से। यार ये अब करेगा काम। बाकी इसमें 6 CD चेंजर है, ये इधर लाइटर आ गया, ये एस्ट्रे आ गई गाड़ी की, और ये भी सारे इसके हाइट कंट्रोल के फंक्शंस हैं। गाड़ी में सनरूफ है यार, और ये सारा इसका पैनल है, सनरूफ का कंट्रोल वगैरह, ये इमरजेंसी का बटन है, ये जापान में मुझे लगता है इसका काम है, यहाँ तो कोई नहीं। ये लाइट्स के सारे कंट्रोल है यहाँ पे, कुछ आपने ग्लासेस वगैरह रखने के लिए गाड़ी में। और सबसे मेन जो चीज़ है ZX में जो फ़र्क होता है वो ये हाइट कंट्रोल का, यहाँ से गाड़ी ऐसे नीचे जा रही हो, मीटर में शो कर रही होगी। ये हो गई लो, उसने बता दिया मीटर में, अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। अभी ये देखें आप, लो पे चलेगी गाड़ी ना, काफ़ी नीचे हो गई है, अभी इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता,
ये हो गई अपनी नॉर्मल हाइट पे। ये इसको आप ऊपर ऊपर भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर मेमोरी के ऑप्शंस है सारे, क्रोम के हैंडल हैं, काफ़ी बड़ा इसका हैंडल दिया हुआ है। ये बैक से इसके डोर्स हैं, इस पर बैक डोर पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस इस तरह स्पीकर है यहाँ पे इसमें। ये एशट्रे है, ऑटो पावर इसके विंडो हैं, और ये रेयर एंटरटेनमेंट वाली है, पीछे सारा क्लाइमेट कंट्रोल है, रेयर एंटरटेनमेंट है, एसी वेंट्स हैं, रेयर एंटरटेनमेंट है और क्लाइमेट कंट्रोल है, एसी वेंट्स हैं पीछे के, और ये ग्लव बॉक्स दिए हुए हैं पीछे। नहीं, ये इसमें पीछे स्पेस दी हुई है कोई चीज़ रखने के लिए, पॉकेट्स वगैरह बनाई हुई है, और डोर में भी काफ़ी इसमें बड़ी जगह है, कोई एक ड्रिंक आ जाती है साथ, कोई चीज़ आपने रखनी हो तो। ये इसका रेयर एंटरटेनमेंट है, ये भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ऐसे ही ऑन हो जाता है, टीवी आता है बाहर, इसका रिमोट होता है उससे, फिर डीवीडी वगैरह ये सारा इससे शो होता है। गाड़ी में ऑटो ट्रंक भी है, ये ऑटो ट्रंक बटन है, ये ऐसे वर्क करता है। ये ZX का एम्बलम है पीछे, माशाल्लाह का स्टिकर भी लगाया हुआ है, और ये V8 का एम्बलम है, ये क्रोम की इसकी लैंड क्रूज़र की गार्निश है एक, और पीछे एक वाइपर है इसका विंड स्क्रीन का। ये गाड़ी का रूफ स्पॉइलर है, इसके अंदर से इसकी एक लाइट होती है वो जो रात के टाइम ब्रेक के साथ में निकलती है, और इसमें वॉशर है गाड़ी का, ये वाइपर इसका, ये लाइट बड़ी प्यारी है रात के टाइम में इसे। यहाँ इसके बम्पर में फोग लाइट्स आ गए, पार्किंग सेंसर हैं, और पीछे भी किट लगी हुई मॉडलिस्टा की। ये यार गाड़ी का इंजन है, अभी काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है। ये LC 200 2007 में आया था, इससे पहले LC 100 था, अब तो LC 300 चल रहा है, और इसमें काफ़ी फेसलिफ्ट्स आए थे अभी। एक तो ये जो हमारे पास है, एक ये था, इसके बाद एक इन्होंने 2015 के अंदर थोड़े से चेंजिंग की थी अंदर से ना, इसमें जैसे ऑरेंज लाइट्स हैं अंदर इंटीरियर की, उसमें की थी, ब्लू कर दी थी। 2007 के बाद इन्होंने फिर मेरे ख्याल से 9 में ZX दे के फिर उसमें 60th दिया था, इस तरह थोड़े बहुत ऑप्शंस देते रहे हैं फेस लिफ्ट के ज़रिए थोड़े बहुत। उसके बाद 2015 में गाड़ी की शेप थोड़ी चेंज की थी बाहर से, अंदर से इंटीरियर चेंज किया था, और चेसिस यही थे, बाकी गाड़ी चेंज की थी उन्होंने फेस लिफ्ट, जैसे लोगों ने काफ़ी कन्वर्ट भी किए थे। अब तो खैर लोग LC 100 को करी जा रहे हैं। इससे पहले जो LC 100 था जिसको सिग्नल्स वगैरह ये काफ़ी मशहूर थे, इसे उसमें 4.7 था इंजन, फिर इसमें इन्होंने चेंज किया 4.6 कर दिया। अब तो वैसे ही इन्होंने ये V8 वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया ना LC 300 में, अब तो उसको V6 कर दिया और साथ टर्बो कर दिए। तो यार उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितनी की डिटेल मुझे गाड़ी की पता थी मैंने आपसे शेयर कर दी। मैंने कहा ये भी खड़ी है, कभी इसमें ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, एक दो बार शायद पहले वीडियो आई होगी इसकी भी, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो शेयर करनी चाहिए डिटेल थोड़ी गाड़ी की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं यार, उसके लिए सॉरी, इंशाल्लाह करेंगे, अभी 63 पे भी काफ़ी काम वो कह रहे हैं, उसके भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।